नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। नेटो सदस्य और यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड के पतन की घंटी बज चुकी है। यह देश यूक्रेन में रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। राष्ट्रपति पुतिन इस देश पर कभी भी सर्जरी का आदेश दे सकते हैं, पर फिलहाल उसकी सीमा में मौजूद विदेशी नागरिकों की मौजूदगी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। यहां रूस के मित्र देश भारत और चीन के नागरिक भी फंसे हुए हैं। पुतिन इन नागरिकों के वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। रशियन आर्मी यूक्रेन की पूर्वी यूक्रेन काला सागर और बेलारूस की सीमाओं की ओर से घेराबंदी कर चुकी है, लेकिन पश्चिमी यूक्रेन की सीमा अभी भी सक्रिय है और यही वो गलियारा है जहां से यूक्रेन को भारी मात्रा में रसद और हथियार प्राप्त हो रहे हैं। खास तौर पर यूक्रेन का पड़ोसी पोलैंड उसका सबसे बड़ा मददगार बनकर उभरा है। वह रोमानिया, लाथविया और लिथानिया के मुकाबले रूस से खुलकर पंगा ले रहा है। रूस के लिए पश्चिमी यूक्रेन के इस गलियारे को बंद करना जरूरी हो गया है। अगर रूस ने पोलैंड की लगाम नहीं कसी तो उसके लिए यूक्रेन ऑपरेशन एक कड़ी चुनौती बन जाएगा। पश्चिमी और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए पोलैंड के जरिए भारी मात्रा में खतरनाक हथियार भेजे हैं। यही हथियार रूसी सेना के बड़े नुकसान की वजह बन रहे हैं। जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन से मिली स्ट्रिंगर मिसाइलें, रशियन टैंक और उसके फाइटर जेट का काल साबित हुई है। जनवरी 2022 से ही पश्चिमी देशों की यूक्रेन को यह मदद जारी है। इस दौरान ब्रिटेन ने हजारों एंटी टैंक मिसाइलें भेजी थी, जबकि तुर्की ने यूक्रेन की सहायता के लिए सैकड़ों की संख्या में बायर कटार टीवी 2 ड्रोन सौंपे थे। लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया ने भी अपने देश में बने हथियार यूक्रेन को दिए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भी जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन को मुहैया कराई है, जबकि पोलैंड फाइटर जेट देकर यूक्रेन की मदद कर रहा है। यानी नेटो प्रोक्स तौर पर रूस से सीधे जंग लड़ रहा है। अगर यूक्रेन में रूस को अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो अब उसके लिए बड़े फैसला लेना जरूरी हो गया है। उसने इसमें ढिलाई बरती तो हालात अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन वाले बन जाएंगे, जहां बड़े आर्थिक नुकसान के साथ ही शर्मिंदगी वाली स्थिति भी बन जाएगी। साथ ही राष्ट्रपति पुतिन के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। अब रूस के लिए करो या मरो वाली चुनौती है। पुतिन की यह बात बिल्कुल सही है कि जब रूस ही नहीं रहेगा तो उसके लिए दुनिया का होना न होना कोई मायने नहीं रखता है। 11 दिन से चल रहा रूस का यह ऑपरेशन उसकी झुंझलाट को और ज्यादा बढ़ा रहा है। इस झुंझलाट में पश्चिम के हथियारों द्वारा रशियन टैंक और सैनिकों की क्षति आग में घी डालने का काम कर रही है। इतना नहीं, जिस तरह पश्चिमी मीडिया रूस को खलनायक के रूप में प्रस्तुत कर रही है, उसने भी मास्को का पारा गर्म कर दिया है। यह ठीक ऐसे ही है जैसे 1971 में पाकिस्तानी आक्रमण के वक्त भारत को खलनायक के तौर पर प्रस्तुत किया गया था। रूस द्वारा पोलैंड पर हमले की संभावना इसलिए भी प्रबल हो गई है क्योंकि उसके द्वारा अब तक 5 बार यूक्रेन को हथियार न देने की पश्चिमी देशों और यूरोप को चेतावनी दी जा चुकी है, मगर रूस की चेतावनी का कोई असर नहीं है। पोलैंड ने तो आज ही ऐलान कर दिया है कि वह यूक्रेन को अमेरिका निर्मित F-16, सुखोई 25 एवं MiG-29 फाइटर जेट देने की तैयारी कर रहा है। यह पोलैंड की सीधे सीधे रूस को चुनौती है और रूस ऐसी चुनौती का जवाब देने की कुव्वत रखता है। अगर यूक्रेन में रूस का ऑपरेशन 15 मार्च तक पूरा नहीं हुआ तो यूक्रेन के पड़ोसी मददगार देशों पर कार्रवाई होना तय है। रूस पहले ही कह चुका है कि वह नेटो देशों के साथ युद्ध लड़ रहा है। उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि यह तीसरा विश्व युद्ध बनेगा या परमाणु युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। उसने आर पार की उम्मीद के तहत ही अपनी तैयारी की है। इतना ही नहीं, नेटो द्वारा नॉर्वे में अमरीकी सेना के साथ जारी युद्धाभ्यास भी साबित करता है कि जल्दी ही दुनिया में कुछ बड़ा घटने वाला है। इस संकट के समय 9 देश दुनिया के खिलाफ जाकर रूस के साथ अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। इनमें बेलारूस तो खुलकर यूक्रेन में रूसी सेना से कंधा मिलाकर लड़ रहा है। इसके अलावा सीरिया, वेनेजुएला, क्यूबा, म्यांमार और मध्य एशिया के CSTO से जुड़े देश भी शामिल है। इसके अलावा भारत भी विपरीत हालात में रूस के साथ खड़ा है, जबकि नेटो के 30 देशों के अलावा यूरोप के 26 देश यूक्रेन को खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में नेटो सदस्य पोलैंड पर हमले के बाद स्थिति कितनी करवट बदलेगी, इसका अनुमान लगाना तनिक भी मुश्किल नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।